सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 6 आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दा की एक्सरसाइज 4 नंबर तक सॉल्व कराई थी। आज मैं 6 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, आप पेज नंबर 36 पर आप अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 36 पर देखें, उचित अर्थ को रिक्त स्थान में लिखें। बच्चों देखिए, आपकी बुक में दो कॉलम है, शब्द अर्थ, यानी एक तरफ शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया हुआ है, लेकिन अर्थ का क्रम जो है वो सही नहीं है। आपको उचित क्रम को लिखना है। सामने उत्तर वाला जो कॉलम है वहां पर आप लिखेंगे, यानी मैचिंग वर्ड्स, तो आप लाइनिंग ना करके उत्तरम का जो कॉलम है वहां पर सही उत्तर लिखेंगे। जैसे पहला शब्द है संचिका, तो संचिका का उचित अर्थ होता है कॉपी, तो जहां उत्तरम लिखा हुआ है वहां पर आप लिखेंगे कॉपी। संचिका यानी नंबर 1 के सामने ही आपको लिखना है कॉपी। इसी तरह मिथ्या शब्द का अर्थ होता है झूठ, सिक्ता शब्द का अर्थ होता है रेत, तुला शब्द का अर्थ होता है तराजू और पाकशाला का अर्थ होता है रसोई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लाइनिंग्स नहीं करनी है, बस सिर्फ उत्तर वाले कॉलम में सही शब्द को लिखना है। क्लियर? अब आइए, जा नंबर एक्सरसाइज है। देखें, आप अपनी बुक में भिन्न प्रकृति वाले शब्द को रेखांकित कीजिए तथा रिक्त स्थान में लिखिए। भिन्न प्रकृति वाले शब्द यानी ऑड वर्ड। फर्स्ट नंबर पे देखें, शब्द तालिका दी हुई है, उसमें शब्द है वृद्धा, महिला, बालिका, सेना, तो इसमें भिन्न प्रकृति वाला शब्द है सेना, यानी नंबर 1 में भिन्न प्रकृति वाला शब्द है सेना। आप उत्तर में लिखेंगे या जहां भिन्न प्राकृतिक शब्द लिखा हुआ है वहां पर आप लिखेंगे सेना। अब आइए नेक्स्ट पेज पर, शब्द तालिका देखिए, वाटिका, वर्तिका, माला, कलिका, तो इसमें भिन्न प्रकृति वाला शब्द है वर्तिका, तो आप उस कॉलम में वर्तिका लिखें और इस शब्द को अंडरलाइन भी कर दें। नंबर 3 देखें, अजा, पाकशाला, रोटिका, पाचिका, इसमें भिन्न प्रकृति का शब्द है अजा, यानी नंबर 3 का आंसर क्या होगा, अजा। 4 नंबर पे आइए, शब्द तालिका देखिए, कक्षा, अध्यापिका, धरा, श्वेत वर्तिका, इसमें भिन्न प्रकृति का शब्द है धरा, तो इस तरह से आप 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आप भिन्न प्रकृति का शब्द लिखेंगे और शब्द तालिका में जहां ये शब्द दिया हुआ है उसको अंडरलाइन भी करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6 नंबर एक्सरसाइज, देखें, शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए। ये पुल्लिंग के शब्द दिए हुए हैं और आपको स्त्रीलिंग में बदलना है इन शब्दों को। जैसे वत्सा शब्द का स्त्रीलिंग होगा वत्सा, सरला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा सरला, प्रथमा का स्त्रीलिंग शब्द होगा प्रथमा। नेक्स्ट है गायिका का शब्द का स्त्रीलिंग होगा गायिका, सेविका का स्त्रीलिंग शब्द होगा सेविका, पाचिका का स्त्रीलिंग शब्द होगा पाचिका। क्लियर? अब आइए लास्ट एक्सरसाइज है, वर्णों को जोड़ करके पद रचना कीजिए, यानी वर्ण विन्यास करना है आपको। देखिए जरा वर्ण विच्छेद सुनिए और फिर उसकी पद रचना करिए। मा, आ, का, शा, ई, का, आ, इन वर्णों को जोड़ करके आप शब्द क्या बनाएंगे, शब्द बनेगा मक्षिका। ये लास्ट एक्सरसाइज है पद रचना। तो फर्स्ट नंबर पे शब्द बन रहा है मक्षिका,
नेक्स्ट देखें दा रा आ वा आ वा आ रा ता ई का आ, इनको सबको प्लस करना है यानी जोड़ना है, तो फिर नंबर टू पर शब्द बनेगा जाकर के द्रावर्तिका। इन सारे वर्णों को मिलाकर के कौन सा शब्द बना? द्रावर्तिका। नंबर थर्ड देखें मा ऊ दा रा आ, इस तरह से इन वर्णों को जब मैंने जोड़ा तो शब्द बना मुद्रा। नेक्स्ट है चा आ ता आ का आ, इन सबको प्रेस किया तो शब्द बना चटका। चटका मीन्स चिड़िया। नंबर फिफ्थ देखें ना ई हा आ रा ई का आ, इन सब वर्णों को जब मैंने जोड़ा तो शब्द बना निहारिका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये चैप्टर सिक्स आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दा की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। बच्चों जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैंने लर्न करने के लिए बोला है, उसे लर्न करते रहें। अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से करें, शुद्ध लिखें, स्वच्छ लिखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।